ആദ്യം ദാന വരുമെന്ന് സിക്കാമി ധമ്മപദ ഗാഥ കഥ നമ്പർ 126 या 126। ये जो कथा है ये एक मणिकार की और एक तिस्से भिक्कु की है। तिस्से नाम के भिक्कु की। मणिकार का मतलब जो मणि को या ज्वेल को या लाल को घिसता था, जो पत्थर थे उनको घिस के चमकदार बनाता था, उसको मणिकार बोलते थे। जैतवन के अंदर एक भिक्कु तिस्से लगभग 12 साल से उस इलाके में रेगुलर भिक्षा, रेगुलर शिक्षा, रेगुलर धम सिखा रहे हैं और लोग उनको पिंड भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं। मणिकार के यहाँ भी जाते हैं। मणिकार की जो पत्नी है बड़ी धम्मवान है, वो बहुत ज़्यादा धम्म को सीखती है। मणिकार भी धम्म को सीखता है। उनका एक पालतू पक्षी है सारस, यानी कि कौंच, वो उन्होंने पाला हुआ है। एक बार मणिकार मांस के टुकड़े को, यानी मांस के टुकड़े को काट रहे होते हैं, तब वहाँ भिक्कु पहुँचते हैं। भिक्कु एक तरफ बैठ जाते हैं आराम से। तभी पसंजीत का एक सेवक वहाँ आता है, राजा पसंजीत का, और एक लाल मणि दे के जाता है, लाल पत्थर, और बोलता है कि इसको घिस के, इसको अच्छी तरह से काट के, इसको चमकदार बना के और दरबार में, यानी कि राजा के पास भेज देना या मैं ले जाऊँगा। वो चूँकि उसके हाथ मांस में सने हुए होते हैं, वो लाल मणि देखता है और मांस के हाथ धोने के लिए जाता है। लाल मणि जो पत्थर होता है उस पर मांस का कुछ गंध, स्मेल और खून लटक जाता है और वो सारस उसको मांस समझ के खा लेता है। जब सारस उसको मांस समझ के खा लेता है तो ये क्रिया भिक्कु देख लेता है। भिक्कु देखता है कि सारस ने, यानी कौंच ने, वो खा लिया है। जब वो हाथ धो के आता है मणिकार, तो उसे वहां वो मणि नहीं मिलती। तो वो जो मणिकार होता है, वो मणिकार जब वहां मणि नहीं पाता है तो वो पत्नी से पूछता है। पत्नी कहती है उसे पता नहीं, तो उसका शक सीधा भिक्कु पे जाता है, क्योंकि भिक्कु के अलावा कोई है नहीं। तो उसकी पत्नी कहती है कि ये 12 साल से हमें धम्म सिखा रहे हैं, ये ऐसा काम नहीं कर सकते, ये तो चोरी करने को मना करते हैं और सिखाते हैं। वो नहीं मानता और वो हाथ पर बांध के उनकी पिटाई शुरू कर देता है और बार बार कहता है कि बता मणि कहाँ है, बता मणि कहाँ है। भिक्कु कुछ नहीं बोलते, जबकि भिक्कु जानते हैं कि वो मणि जो कौच है उसने खा ली है। इस बीच में जो वो कौच, यानी कि जो सारस होता है, वो टहलता टहलता, क्योंकि भिक्कु के चेहरे से डंडे खा खा कर खून टपकना शुरू हो जाता है, तो खून नीचे जमीन में पड़ता है, तो उसको चाटने के लिए सारस आगे बढ़ता है। वो जो मणिकार है गुस्से में एक डंडा उसके भी मार देता है और एक डंडे में सारस यानी कौच मर जाता है। जब वो मर जाता है तो भिक्कु कहता है कि जो मणि है वो सारस ने खाई है, इसके पेट में है। उसको बड़ा ताज्जुब होता है। वो सारस को काटता है, पेट को फाड़ता है और उसमें से मणि निकलती है। वो भिक्कु से बड़ी क्षमा याचना करता है। इस बात की चर्चा भिक्कु संघ में चलती है। तो भिक्कु संघ में चर्चा चलने पे भगवान से वो पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या कारण था, क्या गति रही और भिक्कु ने पहले क्यों नहीं बताया और बाद में क्यों बताया। पहले ये गाथा सुन लें, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि भिक्कु ने क्यों नहीं बताया। दब मैके उपजन्ति निर्यंग पाप कमीनो सगंग सुगतिनो यंती परिनिबंति अनासवा। दब मैके उपजन्ति, दब मैके उपजन्ति का मतलब दब में, यानी गर्भ में, गर्भ के द्वारा उपजित होते हैं, पैदा होते हैं, यानी कुछ जो प्राणी हैं वो गर्भ के द्वारा पैदा होते हैं, यानी कि वो लोक में आते हैं, इस जीवन को ग्रहण करते हैं, जीवन में आते हैं, इस पृथ्वी पे आते हैं, जब गर्भ में वो पैदा होते हैं। और यहाँ जो गर्भ की बात है वो प्राणी की है, यानी वो मनुष्य का भी हो सकता है और किसी जानवर का भी। निर्यंग पाप कमीनो, और जो पाप को कम करते हैं, पाप का कर्म करते हैं, वो निर्य में जाते हैं, नरक में जाते हैं। उनको ऐसी वेदनाएं मिलती हैं जो तीव्र होती हैं, जिनको वो झेल नहीं पाते। सगंग सुग तीनो यंती, सगंग सुगतिनो यंती, यानी सगंग, सगंग माने हैं जो स्वर्ग है, यानी कि अच्छे जो तरंगे हैं, अच्छी जगह हैं,
वो जाते हैं जिनकी गति अच्छी होती है, यंत्रवत जाते हैं। यंत्रवत का मतलब यंति माने ऑटोमेटिक जाते हैं, अपने आप जाते हैं, मशीन की तरह जाते हैं, उनको भेजने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो वो जो सज्ञ है, अच्छे लोग हैं, उनमें पैदा होंगे। परिनिब्बंती अनासवा, जो परिनिब्बित होते हैं वो अनासव होते हैं, यानी अनासव जो लोग हैं जिनको कोई बुराई नहीं है, जो राग नहीं है, वो दोष नहीं है, वो परिनिब्बित होते हैं, वो उनका परिनिर्वाण होता है। तो यहाँ चार गति उन्होंने बताई थी कि जो लोग निब्बान प्राप्त करते हैं, जिनके पास कोई राग और द्वेष नहीं होता, वो निब्बान को प्राप्त करते हैं, निब्बान में चले जाते हैं। जो अच्छे काम करते हैं वो अपने आप ही अच्छे लोगों में पैदा होते हैं, सग में होते हैं। जो पाप कम करते हैं वो निरय में जाते हैं, नरक में जाते हैं। और जो ना पाप कम करते हैं और ना ही कोई पुण्य कम करते हैं, वो गर्भ में जाते हैं, प्राणी बनते हैं, प्राणी के पेट से निकलते हैं। वहां भिक्कु ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो तिस्से थे वो अर्हत थे, और जो अर्हत होते हैं वो किसी प्राणी की हत्या अपनी वजह से नहीं होने देते, चाहे भले ही वो मर जाए, वो प्राणी का दोष नहीं ले सकते। अगर वो ये बता देते कि ये जो क्रॉच है सारा से इसने खाया है, तो वो जो मणिकार है वो उसको मार देता, उसके पेट में से उसको निकाल लेता। इस कारण से हत्या का जो दोष लगता वो भिक्कू पे लगता, क्योंकि भिक्कू ने अपनी जान की परवाह करते हुए उसको बता दिया और वो मारा गया। भिक्कू इस दोष को, इसलिए भिक्कू चुप रहे क्योंकि चोरी तो उन्होंने की नहीं, इसलिए बोले क्या। और वो उसको धनाधन पीटे जा रहा था क्योंकि वो बोल नहीं रहे हैं और बताने रहे हैं और मणि है कहां। और जो उनकी पत्नी थी, पत्नी ने मना किया, वो धम्मिक थी, इसलिए पत्नी को सज्ञ मिलेगा, यानी अच्छा जन्म मिलेगा, बिना कष्टकारी मिलेगा। और जो जो मणिकार है, क्योंकि उसने एक भिक्कु पे हाथ उठाया, भिक्कु को मारा, और एक मणि के लालच में, जबकि भिक्कु ने ये कहा कि उसने चोरी नहीं की है, फिर भी उसको मारा और भिक्कु की बात पे यकीन नहीं किया, इसलिए उसको निरय मिलेगा। और जो क्रौच है, क्रौच किसी प्राणी के पेट में जाके जन्म लेगा। और जो अर्थ है, यानी कि जो भिक्कू हैं, भिक्कू को निब्बान प्राप्त हुआ है, भिक्कू अब दोबारा इस लोक में, संसार में अब वो शरीर धारण नहीं करेंगे। ये इस गाथा का मतलब है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangam Sarunam Gacchami.
रूपी धम्मम शरणं गच्छामि। मिथ्याचार विरमणि सिक्खापदं स्मादयामि। कामेष मिथ्याचार विरमणि सिक्खापदं स्मादयामि। कामेष मिथ्याचार विरमणि।